एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूवर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग, जो कि फ्लोरक्स फॉर्मूले पे है। आई होप आपको पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। देखिए, सांकेतिक भाषा परीक्षा में कुछ शब्द अक्षर अंक दिए होते हैं तथा वे अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करते हुए अन्य कुछ प्रदर्शित करते हैं। देखिए, तो गाइस आपको समझ में आया होगा, जो वास्तविक मान है उसको न प्रदर्शित करते हुए कुछ अन्य प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी अक्षरों को स्थानीय क्रमांकित मान को अच्छी तरह से याद करते हैं। ए से जेड तक के सुव्यवस्थित अक्षर सबों को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें ए का क्रमांकित मान 1 होता है तथा जेड का क्रमांकित मान 26 होता है। ठीक है, जो ए है, ए का क्रमांकित मान 1 होगा और बी का क्रमांकित मान 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। ऐसे ही सभी ए से जेड तक क्रमांकित मान, ए से जेड तक के 26 अक्षर होते हैं, तो जेड का 26वां अक्षर जेड होगा, या जेड का क्रमांकित मान 26वां अक्षर होगा। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षरों का स्थानीय क्रमांकित मान के साथ निरूपण। देखिए, यहाँ पे ए है, ए का क्रमांकित मान 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है। ऐसे ही पूरे जेड तक 26 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पे जेड का क्रमांकित मान 26 होगा। ठीक है, यहाँ से ए से लेके जेड तक 26वां अक्षर क्रमांकित मान 26 है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकित मान का याद करने का एक यूनिक तरीका, जो कि यूनिक ट्रिक अद्वितीय तरीका है, जो कि फ्लोरक्स फॉर्मूले पे निर्धारित है। देखिए, सी का क्रमांकित मान 3 है, ये 3 का गैपिंग करके है। ए का क्रमांकित मान 1 है, बी का 2 है, सी का 3 हो जाएगा। वैसे ही एफ का 6 हो जाएगा और आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा। 26 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पे 3-3 की गैपिंग है, ए 3 का टेबल भी है। ठीक है, ये फ्लोरक्स फॉर्मूले पे निर्धारित है। देखिए, उपयुक्त शब्द फ्लोरक्स की मदद से पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांकित मान को आसानी से याद कर सकते हैं। यह ट्रिक अक्षरों के अंतर को कम करने में सहायक है। देखिए, ये एक यूनिक ट्रिक है, जो कि आसान भी है। इससे आप जल्दी से कोई भी अक्षर बता सकते हैं। देखिए, जैसे कि पूछा जा रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? तो इससे फ्लोरक्स फॉर्मूले से सहायता लेने में आसानी होगी। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? अगर आपको फ्लोरक्स फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, हमारा फ्लोरक्स फॉर्मूला है, सी है तीसरे अक्षर पे और यफ है छठे अक्षर पे। तो कौन सा पूछा है? बाएं से 7वां अक्षर। ठीक है, देखिए, हमारा 6वां अक्षर यफ है, तो 7वां अक्षर क्या हो जाएगा? जी। यफ के बाद क्या आता है? जी। ठीक है, 6वां अक्षर यफ है, तो यफ के बाद 7वां अक्षर जी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7वां अक्षर जी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे फ्लोरेक्स फॉर्मूले में 8वां अक्षर आर है, तो आर के बाद क्या आता है? यस। यस के बाद क्या आता है? टी। ठीक है, तो आर है 8वां अक्षर, 8वां अक्षर आर है और 19वां अक्षर यस है, तो 20वां अक्षर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, बाएं से 20वां अक्षर टी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 23वां अक्षर कौन सा है? देखिए पहले हम देखेंगे हमारा इसके पहले वाला अक्षर कौन सा था, तो पहले वाला अक्षर हो जाएगा हमारा फ्लोरेक्स फॉर्मूले में 21वां अक्षर क्या है? यू है। पहले हम यू को देखेंगे, 21वां अक्षर है। यू के बाद क्या आता है? वी। वी है हमारा 22वां अक्षर और क्वेश्चन में क्या पूछे हैं? 23वां अक्षर पूछे हैं, तो हो जाएगा डब्लू। यू वी डब्लू। ठीक है, यू है 21वां अक्षर, वी है 22वां अक्षर और डब्लू है 23वां अक्षर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23वां अक्षर डब्लू है। ठीक है, ये थी हमारी पहली ट्रिक जो कि फ्लोरेक्स फॉर्मूले पे है, जो कि अंतर को, अक्षरों के अंतर को कम करने में सहायक है। इससे आसानी होगी कि इसे कोई भी पूछे कि बाएं अक्षर पे 7वां अक्षर कौन सा है, दाहिने अक्षर पे 9वां अक्षर कौन सा है, तो इसे फ्लोरेक्स फॉर्मूले पे आप बता सकते हैं, इससे आसानी से आपको आ भी जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है विपरीत अक्षर, ठीक है, अपोजिट लेटर, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए अब हम आपको बताएंगे विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर। देखिए यहाँ पे ए है, ए का अपोजिट लेटर क्या होगा? जेड होगा। बी का वाई होगा, सी का यक्स होगा, डी का डब्लू होगा, ई का वी होगा, यफ का यू होगा, जी का टी होगा, एच का एस होगा, आई का आर होगा, जे का क्यू होगा और के का पी होगा, यल का ओ होगा। यहाँ पे देखिए यम और यन दो बार लिया गया है क्योंकि ये अपोजिट लेटर को पूरा करने के लिए यम का अपोजिट लेटर यन हो जाएगा, यहाँ पे यन का अपोजिट लेटर यम हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला अक्षर क्या है? ए है और 26वां अक्षर क्या है? जेड है। तो पहले का अपोजिट अक्षर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ठीक है, ए का जेड, बी का वाई, ऐसे ही। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को योग विधि एडिशन मेथड द्वारा ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनका वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए, तो वे दो अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। तो बताइए कौन से होंगे? देखिए हमारा ए है पहला अक्षर और जेड है 26वां अक्षर। ठीक है, पहला है ए और 26वां क्या है? जेड है। तो हम इनको ऐड करेंगे। देखो 26 में एक जोड़ दिए, कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, ऐसे दो अक्षर को ऐड करेंगे जो 27 हो जाए, जिसका योग 27 हो जाए, तो 26 × 27 हम जेड और ए को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक है, 27। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को घटाने घटाव विधि सब्ट्रैक्शन मेथड द्वारा ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांकित मान को 27 में से घटाने पर
जो शेष क्रमांक प्राप्त होता है उस क्रमांक का अक्षर ही घटाएं, गए अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। सो गाइस देखिए 27 में से कोई भी क्रमांक घटाने पर उसका विपरीत ही आएगा। हम बताए थे आपको, देखिए ए का विपरीत अक्षर जेड होगा, बी का वाई होगा, वैसे ही 27 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो उसका विपरीत अक्षर ही आएगा। देखिए यल का विपरीत अक्षर ज्ञात करो, यल का विपरीत अक्षर क्या है, यल का क्रमांकित मान 12 है, अतः यल का विपरीत अक्षर 27 में से 12 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यल का विपरीत अक्षर ओ आएगा। ठीक है, देखिए इस बॉक्स में विपरीत अक्षर देखेंगे तो यल का विपरीत अक्षर क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, ये बॉक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, यल का विपरीत अक्षर ओ आएगा। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यफ का विपरीत अक्षर ज्ञात करो, यफ का विपरीत अक्षर 6 है, यफ का विपरीत अक्षर 6 है और 27 में से 6 को घटाना है। ठीक है, 27 में से 6 को हम घटा देंगे तो आएगा 21, 21वां अक्षर यू है, तो हमारा यफ का विपरीत अक्षर यू हो जाएगा। ठीक है, आप विपरीत अक्षर में देखेंगे तो यफ का विपरीत अक्षर यू आएगा। देखिए हमारी थर्ड ट्रिक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को आसानी से ज्ञात करने के लिए यूनिक सेंटेंस ट्रिक, आदित्य वाक विधि। ठीक है, अब हम आपको इस ट्रिक के बारे में बताएंगे, ये एक तरह का समझ लो सॉन्ग है। देखिए उप बाई लव सेड गेज पी के मैने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है, देखिए यू का अपोजिट अक्षर क्या है, यफ है। देखिए उफ बाई लव सेड केज पी के मैने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। गाइस ये ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो गाइस आई होप आपको ये रीजनिंग क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। थैंक्स लॉट।